यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हम आपको हर वीडियो से पहले बताते हैं कि हम यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पे सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम आपको व्हाट्सएप पे सवाल का जवाब नहीं देंगे। व्हाट्सएप पे आप सवाल करेंगे, उसका जवाब बज़रिया यूट्यूब आपको मिलेगा, बज़रिया यूट्यूब मिलेगा। कुछ दोस्तों ने कमर्स में भी सवाल किए हैं, तो कमर्स में आप सवाल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, है ना, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारा व्हाट्सएप पर रबता नहीं होता। देखें, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होती है, बाज़ अवकात ऐसा होता है कि कुछ लोग बार बार कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उसको मसरूफ़ मिलता है वो। लेकिन क्या है कि ज़रूरी नहीं कि वो 24 घंटे या 25 घंटे मसरूफ़ ही रहे, कुछ टाइम के बाद वो क्लियर भी हो जाता है। सबसे पहला जो कमर्स हमें किया है, रज़ा ख़ान साहब ने किया है, गुड का। रज़ा ख़ान साहब, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुड हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। उसके बाद वजिया ने कहा है कि जी आपकी बहुत मालूमात है और आप बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे, और आप हमारे मसाइल का हल भी बताते हैं, और ये खिदमत खल्क है, ये आप लोगों की दुआ है, वरना हमारी क्या औकात। बाकी हमायूं साहब ने, हमायूं बेग ने गुड्स कहा है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मानूर ने कहा है बहुत आला, तो आपका भी शुक्रिया। उसके बाद नदीम साहब ने कहा है कि आप हमारे टीचर हैं, हम इस काबिल कहाँ कि हम आपके टीचर हों, आप हमारे टीचर हैं कि हमें लाइक करते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं और मालूमात हासिल करते हैं। इंशाल्लाह कल को आप भी इसी तरह लोगों को मालूमात दे रहे होंगे, इस पे तवज्जा दें। उसके बाद सवाल किया है, उसके बाद कमर्स किया है वसीम अख्तर साहब ने, मैं आपसे इंशाल्लाह ज़रूर मिलूँगा। तो प्यारे भाई, जब आपका दिल चाहे आप आके मिलें, आप हमारे भाई हैं। उसके बाद सवाल किया है, उसके बाद कमर्स किया है उस्मान ने, उस्मान खिज़र ने, गुड। उस्मान खिज़र साहब, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुड हो कि आपने इतना अच्छा कमर्स हमें किया। उसके बाद सायरा बानो ने, आप खिदमत खल्क कर रहे हैं, लोगों को मालूमात दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये सब आपकी दुआओं की वजह से, वरना हमारी कोई औकात नहीं। उसके बाद सनोबर ख़ान ने सवाल किया है, आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते हैं, आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद उन्होंने 1 2 3 ने कहा है कि जी मेरी अतारत की लकीर जो है, अतारत का जो उभार है छोटी उंगली का, उस पर चंद लकीरें हैं, इसका क्या मतलब है। देखें, इन लकीरों के बारे में आपने अगर कुछ पूछना है ना, तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ कमेंट्स का जवाब देते हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद अब्बासी साहब ने गुड कहा है, अब्बासी साहब आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुड हों। उसके बाद अफशा ने गुड कहा है, अफशा साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कमेंट्स किया। और अब्बासी साहब ने, अब्बासी हिया ने कहा है कि मुझे भी मालूम करना है जो सवाल इन्होंने किया। तो देखें, मैंने कहा ना कि व्हाट्सएप पे आप मालूम कर सकती हैं जो भी आपने पूछना है। उसके बाद सवाल, उसके बाद कमर्स किया है एस उस्मान ने, एस उस्मान ने कमर्स किया है गुड। प्यारे दोस्त, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुड हो, अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको तरक्की दे। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम, और प्रोग्राम का जो आज का हमारा जो टॉपिक है कि कुछ लोग कहते हैं कि क्या मैं जो काम मेरा चल रहा है, ये काम मेरा ख़त्म हो जाएगा, मैं कोई दूसरा काम करूँगा, या मेरा यहाँ से तबादला हो जाएगा, या मैं किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाऊँगा, तो वो लकीरें कौन सी होती हैं। तो उन लकीरों के बारे में बता रहा हूँ, आप अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने अजीज़ों के हाथ में इसको तलाश कीजिएगा। सबसे पहले ये मैं बना के बता रहा हूँ ज़िंदगी की लकीर, ठीक है, ज़िंदगी की लकीर। उसके बाद ये आ गई दिमाग की लकीर, ठीक है, ये दिमाग की लकीर। उसके बाद ये आ गई दिल की लकीर।
दिल की लकीर के बाद ये आ गई लक लैन, ठीक है, ये आ गई लक लैन। अब जो लोग कहते हैं कि मेरा ये काम चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, ये मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, या मैं किसी दूसरे मुल्क चला जाऊँगा या नहीं, या मैं काम मेरा हमेशा यही रहेगा या काम में तब्दीली आएगी, तो उसका जवाब ये है। ये देखें, ये है किस्मत की लकीर, यहाँ टूट कर दोबारा चल रही है कि यानी जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं, वो वर्किंग ख़त्म हो जाएगी और एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी जगह रह रहे हैं तो उस जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं, आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम ख़त्म होकर कोई नया काम भी शुरू हो सकता है। उसकी अलामत ये होती है कि किस्मत की जो लकीर है यहाँ पर आकर ये समझें कि टूट रही है, टूट कर इसके बाद दोबारा चल रही है। अगर टूट कर ये ना चलती तो हम ये नहीं कह सकते थे कि ऐसा कुछ होगा, और उसके बाद इनके हाथ में कामयाबी की जो लकीर है वो काफ़ी बड़ी लकीर है, कामयाबी की जो लकीर है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी और बड़ी मज़बूत लकीर है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी वर्किंग आप कर रहे हैं, ये वर्किंग या ये काम आपका चेंज हो जाएगा। काम चेंज होने की अलामत ये होती है। आप इसको अपने हाथ में, अपने दोस्तों के हाथ में, अपने जानने वालों के हाथ में इसको ज़रूर देखें। अगर इस तरह का निशान नज़र आए तो ये समझें कि आप जो चाहते हैं कि मैं काम बदली करूं या नहीं करूं, तो उसका फ़ैसला भी आप खुद कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इसके साथ शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सैयद इशफाक ने सवाल किया इंडिया से कि मैं और मेरी बीवी के दरमियान अक्सर यानी लड़ाई झगड़े रहते हैं, ये बताएँ कि आगे मामले सही होंगे या नहीं। देखें, आपके शादी की जो लकीर है उसमें काफ़ी रुकावटें हैं। बहरहाल, आपके रुकावटें जब इल्म में आ गई है तो कोशिश करें कि ऐसी रुकावटें ना बनाएं, तो अल्लाह के फजल से सिलसिले चलते रहेंगे। आप लोग दोनों अगर तावुन करें, दोनों तावुन करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा, वरना ये मामला रुकावटों के चक्कर हो जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा। नजीबुल्लाह ने सवाल किया सिंध से कि ये बताएँ कि कामयाबी कब मिलेगी। हाथ की लकीरों के हिसाब से कामयाबी के लिए आपको 2025 का इंतज़ार करना पड़ेगा। 2025 में आपको कामयाबी मिलेगी, नाम भी होगा, पैसा भी होगा और जायदाद भी बनने के चांस हैं। अतिया ने सवाल किया वाकेंट से कि ये बताएं कि शादी कब होगी और कैसे रहेगी। शादी 2022 और 2023 के दरमियान होगी और शादी अच्छी रहेगी, शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। आमिर ने सवाल किया दिल्ली से कि ये बताएँ कि हमारे नसीब में औलाद है या नहीं। आपके हाथ में औलादों की लकीरें मौजूद हैं और अल्लाह ताला आपको औलाद देगा और औलाद भी इंशाल्लाह खुशबख्त होगी और अच्छे नसीब वाली होगी। शबाना ने सवाल किया कराची से कि ये बताएं कि मेरी नौकरी कब चलेगी, कब तक चलेगी। शबाना साहबा, आपके हाथ में कामयाबी की लकीरें मौजूद हैं, अभी तो आपने कामयाबी देखनी है और कामरानी देखनी है और अच्छा वक्त देखना है, उस वक्त का इंतज़ार करें। 2022 के बाद जितना वक्त होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा साबित होगा। सबहात वहीद ने सवाल किया सियालकोट से कि ये बताएँ कि मेरे नसीब में औलादें कितनी हैं। हाथ की लकीरों के हिसाब से आपके हाथ में औलाद की कोई लकीर नहीं है, आगे चल के अगर बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मौजूदा वक़्त में कोई लकीर नहीं है। इरफान ने सवाल किया फैसलाबाद से कि ये बताएं कि मैं अगर कोई कारोबार करूं तो कर सकता हूं, कामयाबी मिलेगी या नहीं। बिल्कुल कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ में जो दिल की लकीर है ये काफ़ी बड़ी लकीर है, और ऐसे लकीर वाले जो लोग होते हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, जो कहते हैं वो कर भी जाते हैं, जो कहते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। आप में ये सलाहियत अल्लाह ने दी, आप कारोबार करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अमीर हमजा ने सवाल किया रावलपिंडी से कि ये बताएं कि मेरी किस्मत में दौलत है कि नहीं, और ये बताएं कि दौलत आएगी या नहीं। आपके हाथ में किस्मत की लकीर को ख़ास अच्छी नहीं है, बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश करना पड़ेगी, उसके बाद दौलत भी आएगी और कामयाबी भी नसीब होगी, और इसके साथ साथ सूरह फातिहा को पाबंदी से पढ़ें तो आपके हक में बहुत बेहतर रहेगा। अली रजा ने सवाल किया सियालकोट से कि मेरा कारोबार दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है, ये बताएँ कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं या यहीं कुछ करूं। प्यारे दोस्त, अगर मुल्क से बाहर जाना चाहें तो आपके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं और कामयाबी आपको वहां भी मिलेगी और यहां भी मिलेगी, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप कर सकते हैं। फरहान ने सवाल के चकवाल से कि ये बताएं कि मेरे पास पैसा कब आएगा। प्यारे दोस्त, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा मुखालफत की लकीरें हैं, ना वो आपकी किस्मत की लकीर को चलने दे रही हैं, ना ही ज़िंदगी की लकीर को चलने दे रही हैं, और ना ही दिमाग की लकीर को चलने दे रही है। सबसे पहले इस मुखालफत से निजात के लिए आप कोशिश करें, सूरह कौसर जो ना उसकी 3 तस्वियाँ पढ़ा करें, अल्लाह के फजर से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा और इंशाअल्लाह मुश्किलों से निकलेंगे, किस्मत भी चलेगी, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। मोहम्मद आमिर ने सवाल किया है सियालकोट से
मोहम्मद आमिर ने सवाल किया रहीम यार खान से कि ये बताएं कि मुझे कामयाबी कब मिलेगी और सरकारी नौकरी मुझे मिलेगी या नहीं। देखें, आपके हाथ में सरकारी नौकरी की तो कोई अलामत नहीं है, अगर कारोबार करें तो उसमें कामयाबी के इम्कान मौजूद हैं। 7895 ने सवाल किया दीना से कि ये बताएं कि ये लड़की मुल्क से बाहर जाएगी या नहीं। इसके हाथ में सफ़र की लकीरें मौजूद हैं, कोशिश करेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर चली जाएगी और कामयाबी नसीब होगी। मोहम्मद मुंतज़र मेहंदी ने सवाल किया हैदराबाद से कि मेरे नसीब में दौलत है या नहीं। आपके नसीब में दौलत नज़र नहीं आती, आपकी किस्मत की लकीर कमज़ोर है, थोड़ी मेहनत करें और इसके अलावा अगर कोशिश करें सूरह इखलास की 2 तस्वियाँ पढ़ा करें तो इंशाल्लाह आपकी माली पोजीशन बेहतर हो जाएगी और हालात भी इंशाल्लाह अच्छे और बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद हसन बुखारी ने सवाल किया डीजे खान से कि ये बताएं कि दौलत कब आएगी और कामयाबी कब नसीब होगी। आपके हाथ में कामयाबी की लकीर के नीचे बहुत बड़ा स्टार बना हुआ, बड़ा नाम होगा, बड़ा मुकाम होगा, सन होगा 2024-2025। मानूर ने सवाल किया कराची से कि मेरी एक शादी ख़त्म हो गई, ये बताएं कि दूसरी शादी कब होगी। आपकी ख़त्म शादी की लकीर तो मौजूद है, दूसरी शादी की लकीर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आने वाले वक्त में अगर ये लकीर क्लियर हो जाती है तो दूसरी शादी भी होगी और फिर पता भी चलेगा कि शादी चलेगी या नहीं चलेगी। इसके साथ ही इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।